साड़ीज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल इंडियन अटायर. साड़ी में कोई भी बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं, इवन फॉरेनर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं. ये मार्केट में आपको बहुत वेराइटीज की साड़ी देखने को मिलेगा. समटाइम्स इट्स वेरी कंफ्यूजिंग कि कौन सा ट्रेंड में है, कौन सा नहीं है, कौन सा बाय करें. बहुत ज्यादा अटपटीसी क्वेश्चन आ जाते हैं माइंड में. इन सब चीजों की, सब क्वेश्चन के आंसर देने के लिए मैं आज इस वीडियो में नैरो डाउन करके 5 ट्रेंडिंग साड़ीज ऑफ 2024 बना रही हूँ. Hi guys, मैं हूँ स्निग्धा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल. आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे. सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी एंड मेरी एफर्ट अच्छी लगेगी, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सो वीडियो शुरू करते हैं. ट्रेंडी साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारी एवरग्रीन सिल्क साड़ीज को हम कैसे मिस कर सकते हैं. सिल्क साड़ीज में पैस्टल कलर सिल्क साड़ीज आर वेरी मच इन ट्रेंड राइट नाउ, स्पेशली पैस्टल कलर बनारसी सिल्क साड़ीज. बनारसी सिल्क साड़ी एक इस तरह की साड़ी है जिसमें आपको ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है. ओनली राइट एक्सेसरीज के साथ आप बहुत अच्छे क्लासी रॉयल एंड रिच लुक देगा. ब्राइट भी पैस्टल कलर्स पहन के शादी कर रहे हैं. पैस्टल कलर इज अ कलर लाइक कॉर्पोरेट पार्टीज में भी आप पहन के जा सकते हो, घर की हैवी बिग फैट वेडिंग में भी आप पहन सकते हो. हर जगह पे वो अकोमोडेट हो जाती है. तो पैस्टल कलर की सिल्क साड़ीज आर सो मच इन ट्रेंड राइट नाउ, स्पेशली बनारसी सिल्क साड़ीज. सो उस तरह की एक साड़ी में आप जरूर इन्वेस्ट करना. नो सेकेंड में है सिक्वेंस साड़ी. सिक्वेंस साड़ीज आर इन ट्रेंड राइट नाउ. सिक्वेंस साड़ी में दो तरह की साड़ीज आएंगे. एक तो जो फुल्ली सिक्वेंस है जो जानवी कपूर ने ट्रेंड शुरू करा था, आई होप तो वो वाली सिक्वेंस साड़ी है. बट वो साड़ीज ना काफी ज्यादा हेवी लगते हैं. आप ओनली हेवी पार्टीज में, नाइट पार्टीज में उसमें पहन सकते हो. बट दूसरी तरह का जो आता है, ये एक तरह का सिक्वेंस साड़ी, दूसरी तरह की जो सिक्वेंस साड़ी है वो है पूरी साड़ी प्लेन एंड उसमें हल्का सा पतला सा सिक्वेंस का बॉर्डर हो, काफी ज्यादा क्लासी लुक देगा. आप उसको एक कॉर्पोरेट पार्टी में भी पहन सकते हो, नॉर्मल पार्टी में भी पहन सकते हो. काफ़ी ज़्यादा कंटेम्प्रेरी विद ट्रेडिशनल टाइप ऑफ लुक देगा. नो थर्ड में है टीशू साड़ी. टीशू साड़ीज आर सो मच इन ट्रेंड राइट नाउ. टीशू साड़ीज में वो साड़ी बहुत हल्के फुल्के होते हैं, हैवी नहीं होते. अगर आपको साड़ी कैरी करने में दिक्कत आती है, आपको आदत नहीं है, देन आप इजिली टीशू साड़ीज कैरी कर सकते हो क्योंकि वो काफ़ी हल्का फुल्का सा होते हैं, येट काफ़ी क्लासी लुक देता है. आप उनको कॉर्पोरेट पार्टी में भी कैरी कर सकते हो, नॉर्मल पार्टी में भी कैरी कर सकते हो, डे फंक्शन में कैरी कर सकते हो, नाइट फंक्शन में कैरी कर सकते हो. इजीली हर जगह वो अकोमोडेट हो जाता है. टिश्यू साड़ीज में अगर साड़ीज उसमें प्रिंटेड वाले भी आते हैं, आई विल नॉट सजेस्ट दैट वन. आई विल सजेस्ट जो प्लेन होता है एंड उसमें हल्का बॉर्डर होता है, कॉट वर्क वाला बॉर्डर भी होता है किसी में, एंड उसमें बुट्टे छोटे छोटे होते हैं साड़ीज में, लाइट कलर की हो तो और ज़्यादा अच्छा है. उसके साथ साड़ी अगर प्लेन हो ना, आप उसके साथ ब्लाउज में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. नाउ फोर्थ में आएगा कलर ब्लॉक सिफोन साड़ीज. सिफोन साड़ीज की बात आती है तो हमको यश चोपड़ा के वही बर्फ की पहाड़ियों में डांस वाला वो वाला सीन आ जाता है ना. सिफोन साड़ीज आर वन ऑफ द साड़ीज जो बहुत ज्यादा इजी टू कैरी होता है, लो मेंटेनेंस एंड बहुत कंफर्टेबल होता है कैरी करना. ऑल थ्रू आउट द सीजन, थ्रू आउट द ईयर आप उनको कैरी कर सकते हो. तो उसमें कलर ब्लॉक जो साड़ीज होते हैं वो ज्यादा आजकल ट्रेंड में है, स्पेशली आफ्टर द मूवी रॉकी एंड रानी. उसके बाद से काफी ज्यादा ट्रेंड में आया. बट पर्टिकुलर दैट जो आलिया भट्ट ने पहना था वो वाला जो पैटर्न है ना, शेडेड वाला डुअल ट्रिपल कलर वाला, वो अभी थोड़ा सा डाउन हो चुका है. वो उसी 2-3 महीने पीरियड के लिए था, देन उसके बाद अभी कुछ भी कलर ब्लॉक पैटर्न में हो, ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन का बहुत ज्यादा चल रहा है. तो आप एक अच्छी सी कलर ब्लॉक साड़ी में इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि आप कोई भी आप ऑफिस पहन के जा सकते हो रेगुलर में, बहुत ज्यादा लगेगा, सोफिस्टिकेटेड लगेगा. एंड उसमें अगर थोड़ा बहुत सिक्वेंस का वर्क है या हल्का सा बॉर्डर है, देन आप उसको कोई छोटे मोटे पूजा हो, फंक्शन हो, उसमें भी आप पहन सकते हो. स्पेशली ऑफिस लुक के लिए या आप अगर टीचिंग लाइन में हो तो उसके लिए अगर साड़ी पहनने का वहाँ पे है तो उस जगह के लिए कलर ब्लॉक साड़ीज आर बेस्ट ऑप्शन, इवन आप घर पर पहनते हो तो भी. अनदर साड़ीज जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है वो है जिमी चू साड़ीज. जिमी चू साड़ीज आर बेसिकली टाइप ऑफ ऑर्गेंजा साड़ीज, बट ऑर्गेंजा साड़ी बहुत ज़्यादा स्टिफ टाइप का है, बट ये बहुत ज़्यादा मैनेजेबल है, सॉफ्ट ऑर्गेंजा यू कैन से, तो वो मैनेजेबल है. एंड उसकी फैब्रिक है कैसे बताऊँ, सिफोन एंड ऑर्गेंजा मिक्स वैसे टाइप का फील आएगा. बहुत हल्का फुल्का इजी टू कैरी है एंड वो पहनने के बाद काफ़ी क्लासी लुक आता है. नाउ 5 साड़ीज हो चुके हैं, बट वन बोनस साड़ी टाइप का जो मैं बताऊँगी वो है रेडी टू वेयर साड़ीज. रेडी टू वेयर साड़ीज
आर सो मच सो सो मच इन ट्रेंड राइट नाउ, क्योंकि जो गर्ल्स होते हैं जैसे फेयरवेल पार्टी हो गया कॉलेज की, ऑफिस गोइंग गर्ल्स जो होते हैं जिनको साड़ी पहनना नहीं आता या झटपट उनको जाना है, टाइम नहीं है पहनने के लिए, उन सभी के लिए जो रेडी टू वेयर साड़ी है जो कि हार्डली 1 मिनट लगता है पहनने के लिए, तो आजकल बहुत सारी वेराइटीज के साड़ी में रेडी टू वेयर पैटर्न आ चुका है। स्पेशली जो रफल पैटर्न साड़ीज है उसमें रेडी टू वेयर बहुत अच्छी लगती है, इवन सिक्वेंस साड़ी में भी आ चुकी है, हर तरह की साड़ी में आपको रेडी टू वेयर पैटर्न मिल जाएगा। Well guys, these are the 5 trending sarees right now. उसके साथ मैंने एक bonus का भी बताया, type of sarees are so much in trend now. आप उनको किस right accessories के साथ अच्छे से style करोगे ना, आप like कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। तो that's all about today's video. I really hope आप लोगों का अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी effort अच्छी लग रही है, don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. आप अपनी thought मुझे comment section में बता सकते हैं, अगर कोई video ideas है तो वो भी share कर सकते हो, I'll definitely work on that. तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, till then अपना बहुत सारा ख्याल रखना, bye.